हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.IN। तो यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप्स रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाउट आ रहा था, क्योंकि आप भी क्या वही स्टूडेंट हैं जो करेक्शन कर चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं, DWO में एप्लीकेशन दे दिया है आपने, कॉलेज में एप्लीकेशन दे दिया है, फिर भी आपका जो स्टेटस है यहाँ पर अपडेट होकर नहीं आ रहा है, और अपडेट होकर आया भी है तो उसमें कुछ एरर आ गया है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं इसका यहाँ पर क्या सोल्यूशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, इसलिए इस वीडियो को आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जहाँ पर नए हैं चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए गाइस, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर स्टेटस आ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने जो भी एरर आ रहा था पहले, जितने भी बड़े बड़े एरर्स आ रहे थे, उन सभी के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। DWO में भी जाकर एप्लीकेशन दिया है, कॉलेज में भी वो एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं, बट क्या हुआ है कि उनका जो स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, पुराना ही स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट का यहाँ पर स्टेटस है, जहाँ पर ये रिजेक्ट दिखा रहा है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के साइट से। पहले ये इनका रिजेक्टेड नहीं था, बट अब यहाँ पर बिल्कुल रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो यहाँ पर इस वाले स्टेटस में बहुत ज़्यादा समस्या है, अगर आपका भी स्टेटस ऐसा है, क्योंकि ये पूरा ही रिजेक्ट यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट एक और स्टेटस के बारे में देखेंगे हम, जहाँ पर इस तरीके के आपके आ रहे थे UID इनवैलिड और प्रोमोटेड विदाउट मार्क्स। इन सभी के लिए आई होप आपने टाइम पर कॉलेजेस में अपने एप्लीकेशन ये सारी चीज़ों को सही करके भेज दिया होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर सारे करेक्शंस कर चुके हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई भी करेक्शन अब बाकी नहीं है, आपको सिर्फ अभी इतना काम करना है कि आपको कोई काम नहीं करना है। कोई काम इसलिए क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके जितने भी यहाँ पर डाउट्स थे वो आपने अपनी तरफ से एकदम सही कर रखे हैं, एप्लीकेशन भी आपने सबमिट कर दी है, बट अगर आपका स्टेटस अपडेट होकर नहीं आया है, तो स्टेटस 10 मार्च तक अपडेट हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 10th of March है, जहाँ पर अब कोई भी उसके बाद एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी कॉलेज में, ना ही कोई करेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, बिकॉज 10th March लास्ट डेट है जब आपके स्टेटस वेरीफाई करे जाएंगे DWO की तरफ से और जो आपका काउंसलर्स की तरफ से। इसके बाद किसी का भी कोई करेक्शन एक्सेप्टेड नहीं रहेगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप 1076 नंबर पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, वहाँ पर आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा। उसके बाद आप जनसेवा पर जाकर पोर्टल जो है वहाँ पर चेक करेंगे, और वहाँ पर देखिए कि आपके स्टेटस में कहाँ समस्या आ रही है। अभी भी टाइम है, 5 दिन का, आप जाके कॉलेज में एक एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं और वहाँ से उनसे फॉरवर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था गाइस इस वीडियो का सोल्यूशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, और जो बच्चे कर चुके हैं प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, क्योंकि स्टेटस आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होगा अगर आप सारी चीज़ें कर चुके हैं। सो ये थी गाइस बात। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियसली यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, बिकॉज स्कॉलरशिप की बात है, डेफिनेटली हम परेशान होंगे, तो बिल्कुल मत हो। एंड रिजेक्ट हो गया है तो प्रॉब्लम है, बट अगर अभी भी टाइम है आप अपने सारी प्रॉब्लम्स को कॉलेज में बताइए और एप्लीकेशन दीजिए। तो दिस वॉज अ सोल्यूशन, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड लाइक करके ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसे जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं आपको हाल ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड बाय।